आज बनाते हैं दोस्तों चो मसाला। उसके लिए देखो ये कुछ हरी मिर्ची काट ली है, आधा किलो के लमसम, और 4 किलो प्याज है चॉप किया हुआ, और ये 1.5 किलो टमाटर है। ये देखिए चो मसाला के लिए थोड़ा तेल डाला है, 4-1 लीटर तेल है। उसको जीरा डाल दिया है, अब जीरा को थोड़ा अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, अब तक जीरा भी पक जाएगा, उसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा जीरा एकदम भुन चुका है, अब इसमें प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों तो हमारा प्याज पक रहा है, आधा घंटा टाइम लगेगा इसमें। बीच बीच में इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाते जाइए, क्या प्याज नीचे लगेगा नहीं और बिल्कुल भी नहीं जलेगा, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का तो प्याज को ब्राउन करना है। इससे क्या है चो मसाले से सब्जियों में टेस्ट में भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और दूसरी बात एक कोई काम होता है जो सब्जी लगाना वो फटाफट भी लग जाती है। 15 मिनट हो गए दोस्तों, काफ़ी हद तक देखो हमारे प्याज पक चुके हैं, थोड़ा और पकाते हैं इसको बढ़िया से। 15 मिनट बाद देखो दोस्तों हमारे प्याज पक चुके हैं, अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। 1 kg के लमसम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए दोस्तों अब इस अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा पकाते हैं, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा लहसुन भी पक चुका है, अब इसमें टमाटर ऐड करते हैं। ये देखिए टमाटर भी ऐड कर दिए, इसमें हल्दी डालते हैं दोस्तों। ये हल्दी डाल दी है और साथ में मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर। ये देखिए दोस्तों सब कुछ डालने के बाद हमारा चो मसाला पक चुका है, मिर्ची हल्दी सब डाल दिया इसमें, हमारा चो मसाला एकदम बढ़िया से पक चुका है। ये देखिए दोस्तों हमारा चो मसाला बनकर रेडी हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।